मुल्क भर की तरह कलात में भी 74वां जश्न आज़ादी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर सुल्तान बुगटी ने सुबह 7:55 पर डीसी ऑफिस के सब्जाजार में परचम कुशाई की। इस मौके पर डीपीओ कलात अब्दुल रऊफ बड़ेज, कर्नल हसजिद बुगटी और दीगर ऑफिसरान भी मौजूद थे, जबकि पुलिस और लेवीज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ किया गया। जबकि परचम कुशाई के बाद डीसी ऑफिस में वजीर आजम पाकिस्तान के ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत शजरकारी मुहिम के हवाले से दरख्त भी लगाए गए। 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से डायमंड जुबली फुटबॉल टूर्नामेंट, क्रिकेट, वॉलीबॉल समेत दीगर खेलों में हिस्सा लेने वाले कामयाब टीमों में तकसीम इनामात के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में तकरीब मुनाकिद हुआ। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सुल्तान बुगटी ने कहा कि आज़ादी एक नेमत है। आज़ादी पाकिस्तान के लिए हमारे बड़ों और नौजवानों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी है। पाकिस्तान को आज़ाद कराने वाले अजीम रहनुमाओं को सुर्ख सलाम। तवील जिद्दोजहद और लाजवाब कुर्बानियों के बाद हमें ये प्यारा वतन मिला है। जश्न आज़ादी के मौके पर डिप्टी कमिश्नर सुल्तान बुगटी, कर्नल हसजिद बुगटी, एसएसपी अब्दुल रऊफ बड़ेज ने शाही बाजार कल्लात में शहरियों में मिठाइयां तकसीम किए और झंडे दिए। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामला से कोई ताल्लुक नहीं। जबकि पुलिस थाने में डीएसपी गुलाम हुसैन बाजोई और एसएचओ मीर नज़ीर अहमद होमरानी ने कैदियों में मिठाइयां तकसीम किए।